Hello everyone. Some time back I have uploaded the summary of the novel The Mayor of Casterbridge. उसके बाद कुछ students के comments आने लगे कि मैम the goldfinch की importance explain कर दीजिए. तो actually the goldfinch Henchard का gift था Elizabeth को अब उसकी wedding पर. Okay. अब Henchard ने क्या किया कि ये gift direct उसके हाथ में नहीं देकर और वो घर पे ऐसे ही रखाया. कुछ दिन बाद जब मेड उस घर की मेड उस केज से टकराई तब उसे पता चला कि यहाँ पर एक गोल्ड फिंच है और उसकी डेथ हो गई थी भूख से. ओके, क्योंकि इतने टाइम तक किसी ने उसे खाना नहीं दिया तो भूख से उस गोल्ड फिंच की डेथ हो गई. अब एलिजाबेथ जब अपने फादर को ढूंढने हैंचर्ड को ढूंढने जाती है तब विठल उसे बताता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है और अपने आखिरी समय पर उसने खाना खाना छोड़ दिया था. मतलब हैंचर्ड की जो डेथ हुई है वो भी भूख से हुई है. उसने भी अपने एंड टाइम पे खाना खाना छोड़ दिया था एज सेम एज जैसे कि गोल्ड फिंच की हुई. एक और सिंबॉलिज्म यहाँ पर ये है कि गोल्ड फिंच एक केज में थी. ओके, और हैंचर्ड भी एक केज में था. दो गोल्ड फिंच का केज जो था वो लिटरल था यानी फिजिकल केज था और हैंचर्ड का जो केज था वो था उसके जो रॉन्ग डीड्स जो उसने रॉन्ग डीड्स की थी अपने पास्ट लाइफ में जिसका उसको गिल्ट फीलिंग था. तो उस एक प्रिजन में वो हैंचर्ड उस टाइम पे था. तो इसीलिए ये दोनों ही हैंचर्ड और गोल्ड फिंच एक दूसरे से सिम्बलाइज करते हैं. ये है द गोल्ड फिंच की इम्पोर्टेंस इन द नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग. ऑल द बेस्ट.